मैं यहाँ पे जो है शाम की चाय एंड बच्चों के लिए नाश्ते का बंदोबस्त कर रही हूँ, जैसा कि हर एक शायद लेडीज का ये घर में काम होता है। तो आज फटाफट बनाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को इस तरह से बटर में ब्रेड को अच्छे से सेक देती हूँ। उसके बाद उसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर, चाट मसाला एंड जो ब्लैक सॉल्ट होता है उसको स्प्रिंकल करती हूँ। अगर आप इस तरह से बच्चों को दोगे तो बच्चे सच में बहुत चाव से खा लेते हैं, बट अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो सिंपली आप ब्रेड में बटर को सेक के एंड दूध के साथ भी बच्चों को दे सकते हो, ये भी बहुत ही हेल्दी होता है। और ये देखो सुबह अभी जो है कुछ लेके आया रिसु, और ये खुले पैसे बचे हुए हैं तो मेरा एक खजाना है। ये देखो इसमें मैं क्या रखती हूँ आपको मैं दिखाती हूँ। मेरे छुट्टे नोट पड़े हुए हैं तो इस तरह से कॉइन जो है मैं रख देती हूँ, निकाल लेती हूँ, तो इसी को बोलते हैं खजाना खजाना खजाना। बच्चों का दूध, ये रिशु का और ये अरु का। बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि मैं जाती हूँ तो देख देख के लाती हूँ कि क्या है नहीं है। एंड अगर मैं पवन को बोलती हूँ कि आपको टमाटर एंड मिर्च लाना है तो वो टमाटर और मिर्च लेके ही चले आएंगे, एक्स्ट्रा वो कुछ भी नहीं लाते हैं। एंड सर्दियाँ आ गई है ना यार, तो अभी बहुत सारे वेजिटेबल जो है मिलेंगे, तो बाप रे बहुत कुछ है। देखती हूँ कि आज जो है सब्जियों में खजाने में क्या क्या है। एंड इस तरह से ये गांठ बांधा हुआ है कि ओ गॉड इसको कट करना पड़ेगा, वो कैंची की जरूरत है मुझे। देखो आज सब्जियों का जो है लग रही सब्जी मंडी मेरे घर में आ गई है। तो ये आलू है, आलू ख़त्म हो गए थे। आलू एक बार मेरे घर में इस क्वांटिटी में आ जाते हैं तो 1 वीक के लिए मैं फ्री हो जाती हूँ। एंड यहाँ पे जो है मिर्च है, टमाटर, अदरक, एंड यहाँ पे देखो करेला है, एंड ये जो खीरा है एंड बैंगन है। यहाँ पे इस सीज़न का फर्स्ट मीन्स गोभी मेरे घर में आया है, अभी तक हम लोगों ने गोभी नहीं खाया था। तो ये फूल गोभी एंड यहाँ पे जो है धनिया की पत्ती। तो अभी का तो सब्जी है क्योंकि सुबह में मैंने आलू पोस्तो, बहुत ही सिंपल आलू पोस्तो की सब्जी बनाई थी, तो अभी के लिए बस रोटी बनाऊंगी। तो ये सारे जो सब्जी है उनको सेपरेट करती हूँ। No stranger to pain, it's never ending, it's only. तो ये देखो फ्रिज में कब से लगी हुई थी, तो फ्रिज जो है अभी क्लीन कर लिया है। एंड उधर का हालत देखो क्या है। एंड काउंटर टॉप का भी जो था मैट मैंने हटा दिया, उसको भी धोऊंगी। फ्रिज बहुत दिनों से साफ करना था बट नहीं हो पा रहा था, तो अभी देखो फाइनली क्लीन हो गया। एंड क्लीन होने के बाद में मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। आज पवन के फ्रेंड ने जो छठ माँ का है प्रसाद दिया है, तो ये ठेकुआ जैसा क्या एप्पल है, एप्पल लो ये, जैसे कि ये ठेकुआ है एंड ये उन्होंने सेब दिया है, तो एंड ये कुछ चढ़ता है, तो जो भी है प्रसाद है तो जो ठेकुआ है इसमें रखूंगी। ये देखो इसमें क्या है। एक्चुअली रात को ना मुझे खाना खाने के बाद मैंने सोचा था दूध पीऊँगी, बट अचानक आज मैंने पवन से ये मंगवाया था, मुझे खाने का मन हो गया तो सोचा कि रात को ये खा लेती हूँ। तो एक एंड प्लीज़ अभी मुझे इग्नोर करना, मुझे पता है मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे 6:30 बजे से जो मैं काम में लगी हुई हूँ, तब से लगी हुई, अभी 10:30 बज रहे हैं, तो अभी जाके थोड़ा काम ख़त्म हुआ है। अब थोड़ी वीडियो की एडिटिंग करूँगी एंड अभी जो है कुरकुरा इंजॉय हो रहा है। किसी को बिंगो टेढ़े मेढ़े पसंद है प्लीज़ बताइए, आपका कौन सा स्नैक जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, लाइक चिप्स में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे लेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेस का हर एक फ्लेवर स्पेशली ब्लू वाला जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना थक गई हूँ यार कि स्किन केयर करने का भी मन नहीं कर रहा, लाइक लग रहा है कि सो जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी देखो, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो वैसा है, तो थोड़ा चेहरा जो है अच्छा अच्छा लगना चाहिए थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद में। ऐसे तो मैं बहुत डरावनी लगती हूँ, तो आपको इसी फेस के साथ में मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
ये आलू जो है फ्राई फ्राई हो गए हैं, आलू को आपको फ्राई कर लेना है, उसके बाद में इसे मैं निकाल ले रही हूँ। बच्चों के फ्रूट ये लो, ये जो है बच्चों के पापा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड सुबह जब से उठी हूँ मेरा जो सर है बहुत ज़्यादा चक्कर दे रहा है। एक्चुअली मेरा जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लो की जो है शिकायत है। कुछ दिनों पहले भी मैंने अपना प्रेशर जो है चेक करवाया था तो बहुत ज़्यादा लो है। तो पता नहीं इन दिनों मेरी तबीयत बिल्कुल ढीली ढाली चल रही है। एंड आज का वेदर इतना गंदा है ना, मीन्स इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है एंड बिल्कुल धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी, तो और भी मूड अजीब सा लग रहा है। तो अभी जो किचन में है मेरी आलू पम्पकिन की सब्जी जो मैं आज है बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने देखो अदरक लहसुन और मिर्च को कूट के रखा है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कलर के लिए मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, इसमें थोड़ा सा पानी को मिक्स करना है। ये बंगाल की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। एंड जब मैं अपने मायके में थी तो मेरे नेबर में एक आंटी रहती थी तो उनसे मैंने सीखा था, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तेल में नाइजीला सीड, सूखी लाल मिर्च और एक तेज पत्ता, उसके बाद ये एक बड़ा प्याज, जो मसाले रेडी करके रखे थे वो। पम्पकिन की सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, रख दो उधर। इसमें ये देखो जो काले चने और पम्पकिन मैंने बॉईल करके रखा था वो डाल देना है। जो पटैटो मैंने फ्राई करके रखे थे वो। तो ग्रेवी बनाने का मैंने तो हल्का पानी आप डाल सकते हो। सारे काम हो चुके हैं एंड अभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है यार। सुबह से सबको सब कुछ दे दिया लेकिन आज मैंने कुछ नहीं खाया, बस एक रोटी खाया है वो भी चाय के साथ में। तो ये देखो फ्रूट काट के कब से रखा है कि खाऊंगी, तो बस कामों में उलझ गई हूँ। तो अभी मैं जो है अपना फ्रूट खाऊंगी बच्चों लोग के पास में बैठ के, एंड मेरा खाना भी हो जाएगा, इन लोगों की जो है पढ़ाई भी हो जाएगी। एंड कपड़े धुल रहे हैं तो चलो हॉर्न जो है बंद करती हूँ। घर के काम यार ख़त्म ही नहीं होते हैं। अरु फटाफट लिखो, चलो फटाफट। देखिए सही है ना? हाँ 130 देखिए। एंड ये किसको किसको पसंद है? इसे बोलते हैं सिंघाड़ा, बहुत जगह पानी फल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आए हाय, देखिए कैसे मुंह बना रहा है, अच्छा नहीं लगता इसे तुमको? आए हाय, उसको पसंद नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता। 130 से लिखो ना। अरु ने क्या किया है, 129 के बाद 130 आता है तो सीधा लॉन्ग जंप मार के इसने कितना लिख दिया है, 230। तो अभी मुझे ये सारा इरेज करना पड़ेगा। तो उसने बोला मैम देख, मम्मा मैम ने तो एक्स्ट्रा 100 टेंस वंस लिख के दिया। मैंने बोला नहीं आपने गलत लिखा है। सो चलो मेहनत करते। अरु कितना बार बताया है 130? समझ भी नहीं आता क्यों बार बार रॉन्ग होता है। अब मैम को मोटा वाला डंडा देंगे, ऐसे पिटाई करेगी तुम्हारा। हंस रहा है बैड बॉय। पूरे डेट्स जिसे बोलते हैं, हर एक औरत को मैं बोलूँगी कि ये खाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा काम करती है। डेट्स आपकी बॉडी के लिए वंडर काम कर सकती है। आप गूगल सर्च करना कि अगर आप 3 डेट्स रोज़ खाते हो तो आपकी बॉडी में कितना बदलाव होगा। सो प्लीज़ अपनी डाइट में इसे शामिल करिए। मैं भी खुद से रोज़ प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रेगुलर लूँगी, बट मैं कभी लेती हूँ कभी भूल जाती हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर मैं इसे लूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कोई सस्ता फ्रूट चाहिए, अगर घर में फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप डेट्स को ज़रूर शामिल करें अपने डाइट में। और अभी जो है फ्रिज के ऊपर का जो मैट था वो धोया था तो उसको, ये देखो ये एक्चुअली जो आटे की बोरी होती है ना उससे मैंने बनाया था। क्योंकि देखो फ्रिज के ऊपर रखते हैं तो कभी कभी बच्चे पानी गिरा देते हैं कुछ भी, तो इसको अब जो है फ्रिज के ऊपर डालूंगी, रख देती हूँ फ्रिज के ऊपर इसे। सबसे पहले लाइट ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है फ्रिज के ऊपर मेरा हमेशा ये वाइट कलर का मेरा एक ब्लाउज का पीस था, तो आप भी इस तरह से बना सकते हो ब्लाउज के पीस एंड आटे की जो थैली आती है या चावल की जो थैली आती है, सो इसे एज अ वाटरप्रूफ भी वो काम करेगा। आप बेड पे अगर खाना खाते हो, लाइक घर में अगर स्पेस नहीं है तो इस तरह का बना सकते हो, खाना खाते टाइम भी आप इसे बेड पे यूज़ कर सकते हो। ये देखो स्प्रेड कर दिया है तो इस तरह देखने में भी अच्छा लगता है। आप कोई प्लांट रख सकते हो या फिर अगर आप एग्स खाते हो ना तो किसी बास्केट में करके एग भी आप फ्रिज के ऊपर रखोगे या फिर कोई कोटेशन रखोगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। ठंड में ना यार खिड़की खुली रहे तो हवा आता है। ये देखो मिर्च जो है अच्छी खासी हुई है, पानी कल दूंगी सब में। एंड
मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली अगर आपकी एज लाइक 30 है, मेरी एज जो है 30 साल की हूँ मैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो हमारी उम्र जो है वो कम है, हमें किसी स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर हमारी स्किन में जो है बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जो अगर आप अपने स्किन केयर को ध्यान नहीं रखते हो, अच्छी डाइट नहीं लेते हो, सो अंदर की जो लेयर है, जो सेल्स है, वो डैमेज होने लगते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ CTM मीन्स क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग अपनी स्किन की ज़रूर करें। एंड मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप 30 के हो गए हो, तो आप कोई भी नाइट क्रीम, अगर DIY नाइट क्रीम आप लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, अदरवाइज कोई नाइट क्रीम आप यूज़ करना स्टार्ट करो, ताकि आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी रहे, हेल्दी रहे। लाइक मैंने ये देखो हिमालय का भी मैं नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये नाइट क्रीम मैं लगभग 5 से 6 दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो ये नाइट क्रीम मुझे अच्छा लग रहा है। बट मेरे माइंड में है कि 1-2 नाइट क्रीम और है, तो मैं उसको यूज़ करके देखूँगी, उसके बाद ही मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट बताऊँगी। बट हिमालय अगर आपको कुछ बजट में चाहिए, तो आप हिमालय, बायोटिक, लोटस, इन सारे नाइट क्रीम को आप ट्राई कर सकते हो। तो प्लीज़ अपना और अपने स्किन का ज़रूर ध्यान रखें। किट में लेके आई थी उस दिन, आप लोगों से शेयर किया था कि छठ पूजा के लिए मैं गई थी, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप यूज़ करो, मीन्स मैं बोलूँगी कि बैम्बू के बास्केट यूज़ करना स्टार्ट करो एंड प्लास्टिक को डिस्कार्ड करो। आई नो, देखो उससे भी किसी का घर चलता है, बट अगर हम कुछ बदलाव चाहते हैं, तो हमें थोड़े से कड़े निर्णय जो है लेने पड़ेंगे, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा हो। एंड जो हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, अपनी देसी चीज़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसे अगर मैं कहीं भी रख दूँगी एज अ डेकोर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है, ये सारी छोटी छोटी जो हैंडमेड चीज़ें, पता नहीं मेरा हैंडमेड चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। एंड यहाँ पे जो है हमारे बिल्डिंग के नीचे पूजा का सेलिब्रेशन हो रहा है। एक्चुअली हमारे बंगाल में छठ पूजा ख़त्म होने के बाद एक पूजा होती है, जिसे जगजात्री पूजा बोला जाता है। आप लोगों में से बहुतों को पता होगा, मैं भी बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, बट ये पूजा जो है हावड़ा में भी ज़्यादा नहीं होती है, कोलकाता में नहीं होती है ये पूजा ज़्यादा। मेरा जो मायके है लाइक हुगली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ मेरा मायके, उस साइड में चंदानगर, उस साइड में बहुत ज़्यादा ये पूजा होती है। तो फर्स्ट टाइम मैं भी अपने बिल्डिंग के नीचे इस तरह का सेलिब्रेशन देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत ही सुंदर एंड अच्छे तरीके से जो है पूजा हो रही थी। सुपर एक्साइटेड, ये देखो मेरे नीलकंठ में कितने सारे मींस जो है फूल खिले हैं यार। नीचे का पता नहीं, पत्ता बहुत झड़ गया है, बट ये देखो ऊपर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है, एंड जो टहनियाँ हैं वो उस साइड भी जा रही है। सो आई एम सुपर हैप्पी। गैस वर्ड, बाहर जाने का प्लान था, लेकिन अभी जो है बारिश स्टार्ट हो गई है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। पता नहीं यार ठंड के मौसम में बारिश क्यों हो रही है, तो देखते हैं कि बाहर जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर, सो प्लीज़ ब्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।